सर्वा बाधा विर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ये चैनल आपके लिए हमने बनाया है, स्पेशली ग्रहों की गणना को बताने के लिए कि ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहता है। हम लगातार हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और आज वृषभ राशि वालों के लिए बताने जा रहे हैं कि जून का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम जो समय है, वो विशेष तौर पर दिन जो है वो आपके लिए क्या कुछ खेल करने वाले हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र मंगल के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रखा है। ऐसे में आपको अपने मन की वृत्तियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। छुट्टियां चल रही हैं बहुत सारे योगों में, दिलों विशेष तौर पर, ऐसे में मन भटक भी सकता है। ऐसे में क्या कुछ करने के योग आपको लाभ की स्थिति बना सकते हैं, उसके लिए भी रास्ता बताने वाले हैं। बड़े सुंदर दिन भी चल रहे हैं क्योंकि विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चलने वाली है इन दिनों में। गुप्त नवरात्रि के दौरान में खासतौर पर अपने मन को साधकर हम यदि काम कर लें तो मंगल शुक्र की जो खराब युति है वो हमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रास्ता दिखा सकती है। तो इसलिए इन तिथियों को समझ लें कि क्या कुछ आपके साथ होने के योग हैं, किस किस स्थिति में कुछ खास उपाय कैसे किए जाएं। बड़े सुंदर सरल उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और सही मान लीजिए इन सरल उपायों के द्वारा ही रास्ता बन सकता है। कोई बहुत बड़ी भयावह उठापटक करने की जरूरत नहीं है और सीधे तरीके से समझकर हम यदि अपने कार्य समय को समझ लें तो हम हर प्रकार की इस विपत्ता को कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए जो दिखा रहा है इस समय, वो आपके लिए दिखा रहा है पॉजिटिव। वो आपको पूर्ण लाभ का समय दिखाई दे रहा है। हिम्मत के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आपके लिए पॉजिटिव साइन दिखा रहा है और विशेष तौर पर आपके समस्त परिवार का सहयोग आपको प्राप्त हो तो आप बहुत बढ़िया कार्य करने में योग बनाएंगे। मंगल जो कमजोर थे चंद्रमा के साथ आने के कारण से शक्ति संपन्न हो गए हैं और पॉजिटिव योग बनाने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, तो कोशिश करें इस समय का लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन बुध चल रहे हैं अस्त और बुध का जो लग्न में आपके योग चल रहा है वो किसी प्रकार भी आपको लाभ नहीं दे पा रहा है, उसके लिए लाभ लेने की जरूरत है। आप एक काम करें, बुधवार का सब समय है तो ऐसे में हरी सब्जियों का मंदिर में दान करें, विशेष तौर पर गाय के निमित्त पालक का दान करें। ये बहुत जरूरी उपाय है, इसको करिए, इसे बुध को शक्ति मिलेगी और इससे पूरे ग्रहों को और भी लाभ प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 23 तारीख की यदि हम बात करें, 22 तारीख की, 22 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है कि बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, गणेश चतुर्थी मासिक तौर पर है, इस दिन भद्रा भी रहेगी शाम को 5:28 तक। तो ऐसे में ध्यान रखें कि नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रह गणना दिखा रही है कि आपका समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, उससे लाभ की स्थिति प्रबल रूप से बनती दिखाई दे रही है। आपको केवल अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। यदि मन को कंट्रोल करके पूरी तरह से कार्य में लग जाएं तो बहुत बढ़िया तरीके से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उनका जीवन साथी उनके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बना सकता है, उनका सहयोग उनको लेने का प्रयास करना चाहिए। और खासतौर पर ध्यान रखें, ये समय है आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे आगे खेलने का, पीछे खेलने का नहीं है, फ्रंट फुट पे आगे खेलने का प्रयास कीजिए। नुकसान ना होगा चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को विशेष तौर पर प्रसन्न करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में चतुर्थ दिवस कुष्मांडा जी का होता है, अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाली माँ भगवती का स्वरूप है ये। तो ऐसे में सीताफल का दान करना, सीताफल पेठे की बनी हुई सब विशेष तौर मिठाइयाँ जो है उसका भोग लगाना और उनका वितरण करना, ये बड़ा कल्याणकारी उपाय रहेगा। इसको करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 23 जून को ग्रह गणना दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और स्कंद जी का, स्कंद माता का पूजन करने का अवसर है। नवरात्र में जो पंचम दिवस होता है वो विशेष तौर पर माँ स्कंद माता के रूप में जाना जाता है और ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार भी ग्रह योग दिखा रहे हैं परिवर्तन लाभ की स्थिति। तो आपके लिए विशेष तौर पर केवल प्रयास सही डायरेक्शन में करने की जरूरत है, लाभ की स्थिति बन सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बात मन में ना लाएं, क्योंकि चंद्रमा आगे निकल गए हैं मंगल पीछे रह गए हैं तो ये योग बन सकते हैं कि मन में नेगेटिविटी आ जाए, मन में हिम्मत थोड़ी कमजोर, कल की जो हिम्मत थी उससे कमजोर हो जाए स्थिति, ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल आप निचोड़े हुए नींबू से भी निचोड़ रस निकाल लेंगे, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हिम्मत, मैं आपको हिम्मत जगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सोच का चमत्कार है, बी पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस दिन जन्म लेंगे उनके लिए गंडमूल योग बना हुआ है तो उनका ध्यान रखें, उन नक्षत्र में मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करें, अन्यथा वो बालक अपने परिवार के लिए और अपने लिए स्वयं के लिए भारी होगा। 24 जून को ग्रहों गणना दिखा रही है, शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि और बुध का परिवर्तन।
देखिए बुध विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और आपकी राशि के अनुसार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव रखते हैं, धन का भाव है। ऐसे में बुध सूर्य के साथ चले जाएंगे द्वितीय भाव में और बुध चल रहे हैं इन दिनों अस्त। अस्त होकर बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, उसको प्रभावहीन हो जाता है वो ग्रह। ऐसे में बुध को शक्ति देने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखें। शनिवार का अवसर भी है और ग्रह गण परिवर्तन करने के साथ साथ लाभ के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन बुध को यदि बल दिया जाए तब उसका पूर्ण लाभ मिल सकता है। ऐसे में भगवान गणेश के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर मोदक उनको अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला गणेश जी को अर्पित करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे, बुध को शक्ति प्राप्त होगी, हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवती कात्यायनी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर कात्यायनी जी का पूजन करने का आज षष्ठी नवरात्र पर अवसर है, तो ऐसे में भगवती के मंदिर में जाकर हरी चूड़ियाँ भगवती को समर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 25 जून की यदि हम बात करें तो 25 जून को ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सुबह का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और शाम के समय खर्चे बढ़ने के योग हैं, तो कोशिश करें सुबह सुबह समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन वैवस्वत सप्तमी है, रविवार और सप्तमी का अवसर, भगवान सूर्य की उपासना करने का अवसर। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से बहुत प्रबल योग बना रहे हैं इस वक्त, ऐसे में वो इच्छाधारी योग बनाने की स्थिति में है, पॉजिटिव होकर काम करने की जरूरत है। ऐसे में एक बात का और ध्यान रखें, आज वैवस्वत सप्तमी के दिन रविवार के दिन सप्तमी का योग जो पड़ गया है, ऐसे में भगवान सूर्य का विधिवत पूजन करें, गायत्री का पाठ करें, एक माला गायत्री का जप करें। सावित्री विद्या के अनुसार से गायत्री ही विशेष तौर पर सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, उनका पूजन करने से कल्याणकारी योग बनेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और कल्याणकारी योग बनने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको लाभ की स्थिति तो है लेकिन खर्चे थोड़े परेशान कर रहे हैं, यानी आएगा भी इनकम, जाने के रास्ते भी हैं। अब आने का रास्ता तो खोल दिया है ग्रहों ने, जाने का रास्ता आपको अपने कर्मों से बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लाभ आपको देगा क्योंकि बुध आपका परिवर्तित हो चुका है, अस्त है, तो कन्या पूजन से विशेष तौर पर लाभ के योग बनेंगे। और आज दुर्गा अष्टमी भी है, हम बात कर रहे हैं 26 तारीख की विशेष तौर पर अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी जो है 26 जून की, वो विशेष तौर पर कन्या पूजन का दिन है। ऐसे में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना, उनको वस्त्र इत्यादि देना, उनको मिठाई कराना, उनके पैरों का को धोना, इन सब आशीर्वाद लेकर कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इस दिन भद्रा है तो दोपहर 1:20 तक रहेगी, नए कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। वहीं 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को नवमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, गुप्त नवरात्र समाप्त हो रहे हैं। हमने भी आश्रम पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा है पूर्णाहुति का, उसमें आप अपनी पूर्णाहुति का योगदान दे सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। भड्डली नौमी है, अनसूच साया है, 4 महीने तक ऐसी शुभ तिथि नहीं आएगी पुनः, तो कुछ भी कार्य आरंभ करना हो बिना पंचांग के देखे, बिना मुहूर्त के देखे इस दिन आरंभ कर सकते हैं, शुभ तिथि है। ग्रहों के नक्षत्रों का योगायोग बहुत ही शुभ बना हुआ है आपके लिए, कल्याणकारी योग बना हुआ है, तो इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए केवल खर्चों को कंट्रोल करने का है, दिन पॉजिटिव है, लाभ की स्थिति बनेगी। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार है और साथ साथ दशमी तिथि है। आपकी राशि के अनुसार से हम वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृषभ राशि वालों आपकी ग्रह गणना दिखाती है कि आपको खर्च विशेष तौर पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अननेसेसरी कंपटीशन में नहीं फंसना है, लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं गलत रास्ते पे जाने के लिए, अननेसेसरी का ज्यादा प्रोवोक होने से स्वास्थ्य पर ही उसका खराब प्रभाव पड़ेगा, आपके दुश्मन आप पर भारी पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। उपाय के तौर पर इस दिन आपको विशेष तौर पर गाय का पूजन करें, गाय को पालक दें, हरी चीजों का दान करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। आशा दशमी है, विशेष तौर पर विश्वदेव जी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करते हुए उनको तुलसी दल अर्पित करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन देव शयनी एकादशी है, आषाढ़ मास की नवमी को दशमी को विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी है, भगवान विष्णु श्रेष्ठ अय्य पर विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं और शिव को आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के दिन आरंभ हो रहे हैं। और हमने भी इन दिनों का लाभ लेने के लिए आश्रम पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा है, इस बार सावन जो है 60 दिन का रहेगा, हमने 60 दिन का रुद्राभिषेक रखा है। जो जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं आश्रम में फोन कर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं और इस विशेष तौर पर कल्याण के अवसर पर लाभ के योग बना सकते हैं, बड़ा सुंदर योग रहेगा भगवान शिव को प्रसन्न करने का। कोशिश करें सम्मिलित हों इस सुंदर दुर्गा विशेष तौर पर यज्ञ पर और कल्याणकारी योग बनाएं। और जो सावन शुरू होने वाला है अभी कुछ करीब करीब 4 तारीख से, और उस शुभ तारीख से भगवान शिव को प्रसन्न करने का योग बनना चाहिए। आज की ग्रह गणना विशेष तौर पर 29 तारीख की दिखाती है कि आपके लिए समय थोड़ा सावधानी भरा चलने का है, अननेसेसरी के खर्चे जुर्माने आपके जिम्मे आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी परेशान करने की योग बना रहा है, चावल का दान करें, कष्ट कम होंगे, व्रत रखें, स्वास्थ्य पर प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। 30 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 30 तारीख का दिन विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है,
बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 50 दिनों से मंगल ने हिम्मत तोड़ रखी थी और ऐसे में मंगल अब शक्ति संपन्न हो जाएंगे, सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन सूर्य की राशि में प्रवेश करते ही मंगल तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे, सामने शनि से बिल्कुल समसप्तक योग बन जाएगा, वो विरोध करने का योग बनाएगा। अभी तो शनि कुछ बिगाड़, विशेष तौर पर शनि कर रहे थे अपने घर में राज्य, लेकिन अब शनि और मंगल का टकराव हो जाएगा, वो विशेष तौर पर संसार में विप्लवकारी योग बनाएगा। लोगों के मन में ईर्षा द्वेष बहुत परेशान करने के योग बनेगा, तो शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में चंद्रमा भी आज आपकी राशि के अनुसार से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करें। श्रांग श्रीम श्रौंग से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें, शिव का अभिषेक करें, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।